हैदराबाद के वट्टी नागोलापल्ली में महकमे फायर सर्विस का पासिंग आउट परेड प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 483 फायरमैन और 155 ड्राइवर ऑपरेटरों को तकरीरी लेटर हवाले किए। वज़ीर आला ने तरबियत में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वालों को अवार्ड से भी नवाजा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन नौजवानों के लिए नेक ख्वाहिशात जिन्होंने फायरमैन के तौर पर अपनी तरबियत मुकम्मल की है। आपके वालिदैन आपको अपनी तरबियत मुकम्मल करते हुए देखकर बहुत खुश हैं। मैं आप सबकी तारीफ करता हूं जो मुआशरे को बचाने के इरादे से आगे आए हैं। यह हुकूमत अवाम की सोच के मुताबिक आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बजट में तालीम और ज़िराअत को सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की गई है और वक्तन फोकतन हम सरकारी मुलाजिमत की आसामियों को पूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेवंत रेड्डी ने बेरोजगारों और तलबा को मशवरा दिया कि अगर उन्हें कोई मसला है तो उन्हें चाहिए कि वो रियासती बुजुर्ग और अरकान असेंबली से रुजू करें और मैं आपके मसाइल को हल करने के लिए आगे रहूंगा।